पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों और मिलजुल करके ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए हुए अपने मन को एकाग्र कर ले, जोड़ दे अपना ये मन भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं अमर वाणी में। शांत बैठते जाइए आप सब। बहुत दिनों से कुछ आपके प्रश्न शिकायत कर रहे हैं, जो प्रसंग जारी थे वो तो संपूर्ण हुए, इस पेंडिंग को भी मैं आज पूरा करूं। समय समय अनुसार जैसे नए सज्जन मेरी देवियां आती हैं, उनको मेरे भगवान जी के विचार और मेरी शैली कुछ विचित्र प्रतीत होती है, तो कई प्रश्न अचानक ही उनके मन में खड़े हो जाते हैं। कर देती है, मैं पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं, आप स्टेज पर बोलते चले जाते हैं, मेरे मन की डायरी में वो सब अंकित हो जाते हैं। मौके की तलाश में होता हूं, कब मुझे मौका मिले और मैं इन्हें प्रकट करूं। प्रश्न आपके हैं और उत्तर मेरे भगवान के हैं। जहां से मुझे ज्ञान मिला और जिस ज्ञान से मैं लाभ उठाया और उठा रहा हूं, उसी आधार पर आज बताने की चेष्टा करूंगा एकाग्रता पूर्वक। कुछ मेरी माताओं के हैं, कुछ भाइयों के हैं, कुछ बुजुर्गों के हैं, कुछ नई नई जो बालिकाएं आई हैं 10 साल 12 साल 15 साल की, कुछ इनके प्रश्न है या मानो इन्हीं के द्वारा इनके माँ बाप पूछ रहे होंगे। खैर जैसा भी हो, एकाग्रता पूर्वक अब श्रवण कीजिए आपके प्रश्न गीता द्वारा उसके उत्तर। पहला प्रश्न, बहुत दिन हो गए जब आप कई बार अपने भाषणों में कहते हैं, ये आपका प्रश्न है, उत्तर फिर बाद में दे देता हूं, एकाग्रता पूर्वक सुनना, बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल प्रश्न है। जब आप अपने भाषणों में कई बार कहती हैं कि ज्ञान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, तो रोटी कपड़े और मकान की तरह भगवान ने इस अनिवार्य अंग को स्वयमेव क्यों नहीं पूरा किया, ये आपका पहला प्रश्न। अब मैं नहीं जानता वो कोई जिन्होंने प्रश्न किया तो आज है या नहीं, पर बाकी को तो लाभ होगा। शायद ये प्रश्न आज से 2.5 महीने पहले किया गया था। अब मैं इसे संक्षिप्त कर दूं, ज्ञान अनिवार्य है तो हमें शुरू से क्यों नहीं दिया गया। सुनिए, भगवान के कुछ नियम अटल है, एकाग्रता को सुनना, फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे टोक देना, आपको मेरी ओर से पूरी पूरी आज्ञा है, क्योंकि मैं समझाने के लिए आया हूं, महाराज जी की वाणी आपकी बुद्धि में मन में बिठाने आया हूं, आपको मेरी ओर से पूरी आज्ञा है, बिल्कुल संकोच ना करना। सुनिए, अगर आपको तसल्ली होती ठीक, नहीं तो फिर
प्रश्न पे प्रश्न कीजिए, प्रश्न परिप्रश्न बोलती है, प्रश्न परिप्रश्न। मैंने कहा भगवान जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर कुछ महाराज जी के प्रकृति में अटल नियम है, अर्थात जो टाले नहीं जा सकते। जैसे ये नियम दिन के बाद रात अटल नियम है, मैं और आप या कोई देवता भी अवतार ले ले नहीं टालेगा। खुद भगवान जी ने अवतार लिया, जो अपने बनाए हुए नियम थे वो अपने पे भी लागू करवाए, हर एक पे लागू करवाए, और अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की भगवान ने बड़ा विचित्र दंड भी दिया उन्हें। तो पहले ये जानिए कि नियम भगवान के अटल है, जानिए और मानिए। उनमें ये एक नियम है जो आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि ये ज्ञान जिसको अनिवार्य भगवान जी कह रहे हैं, और मैं बार बार प्रकट करता हूं, एक दिन में नहीं मिलना, अनेक जन्मों के बाद। बहुनाम जन्मनाम अंते, ये मैं कहूं जन्म पर जन्म लेके। अब ये नियम है, आप कहते जब मनुष्य रूप में जीव आया था, मनुष्य चोले में जीव आया था, तो ये ज्ञान साथ आना था। सुनिए बात महर्षि वेद व्यास की, प्रकृति के अंदर विकास हो रहा है, विकास का मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब उन्नति तरक्की हर जीव कर रहा है। फरमाती हैं आप पुराणों में लिखती हैं क्या हर जीव आगे आगे आ रहा है, दृंदे परिंदे चिंदे कीट पतंग ये इंसान की योनि में वारी वारी करके आ रहे हैं, मानव योनि में आते जा रहे हैं। तो एक जन्म दो जन्म तीन जन्म मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, पर तीन चार जन्म ये लगातार अपने पिछले जन्म का स्वभाव रखते हैं। जैसे एक जानवर की योनि से आया है, तीन जन्मों तक कम से कम जानवर का स्वभाव रखेगा। आप प्रश्न कर सकती हैं, हमारे पास क्या यकीन है कि इंसान कई जीव इन योनियों से आ रही है, उनका स्वभाव बता देता है, उनकी नेचर बता देगी, उनके स्वभाव से ही पता लग जाता है क्या कि ये शक्ल मनुष्य की है, लेकिन कर्म किन वाले हैं, जानवरों वाले हैं। इस पे आपका कोई जरा नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं होगा। खुद भगवान जी ने गीता जी में कहा है, मेरे देवी मेरे सज्जनों, बजाहिर तो हर चंद इंसान है, वो जो अज्म उनका देखो तो शैतान है वो। अगर ये बात ना होती और हर इंसान की योनि से आता तो इंसान के स्वभाव लेके आता। मेरे आजकल के यंगस्टर्स यंग मैन मुझे हाथों हाथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उतनी शक्ति भगवान जी हमें प्रदान कर देते हैं। जैसे कि कई गलती से कह जाती है कि इंसान से इंसान आता है, नहीं आता, वरना इंसान के गुण लेके आते। तो बाबा तू ही बता दे इंसान के गुण क्या है, मैं क्या बताऊं, मेरे भगवान कह रही है इंसान में सबसे पहला गुण विवेक है, जो ये बताता है उचित क्या, विवेक का अर्थ क्या होता है, उचित अनुचित को बताना, सत्य असत्य को बताना। अगर ये गुण नहीं है तो परमात्मा की कसम इंसान रूप में वो हैवान है, इंसान रूप में वो शैतान है, जिसके पास ये पहला गुण नहीं, जिसे ये पता ही नहीं उचित क्या है अनुचित क्या है, करना क्या है ना करना क्या है, तो वो तो उसको हम हैवान कहेंगे, शैतान कहेंगे। मन को पता ही नहीं क्या देखना है, तकना तो नहीं होता, आंखें तो देखने के मिली रही है, पर इसका दुरुपयोग, कानों का दुरुपयोग, क्या ये गंदी मंदी गीत सुनने चाहिए सिनेमा के जो हमारे कक्षे को बर्बाद कर दे, क्या एक दूसरे की निंदा सुननी चाहिए जो हमारे मन में हलचल मचा दे, क्या इस तरह अश्लील अश्लील बातें सुनने के लिए भगवान ने हमें दो कान दिए, नहीं,
तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मानव योनि से नहीं आए। देखिए भगवान का जवाब, पाए जो दुनिया में ताजा हयात, जो मैं और आपने ये जिंदगी पाई, ये शरीर पाया, वो सब उसमें पिछले जन्म के सफा, उसमें पिछले जन्मों के संस्कार। सफात का अर्थ लगाना संस्कार, वो पिछले जन्म के संस्कार लेके पैदा होता है। एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए ये मन और हवास। जैसे हवा जैसे ले जाए फूलों की, वायु का झोंका आया फूलों के संग लगा उनकी सुगंधि लेके उड़ गया, और उधर रूढ़ी है रूढ़ी के संग लगा दुर्गंधी लेके निकल गया। इस तरह काल का झोंका आया सूक्ष्म शरीर को निकाला, क्या लेके निकल गया? जो सारी जिंदगी नालायक अंदर का जीव करता रहा है वही सब संस्कार लेके बाहर आ गया। अब ये अगली योनि में क्या करेगा? इस में तो बड़ा गंदा था, आगे भी गंदगी मचाएगा। अब मैं इसमें क्या आपको बतलाऊं मेरी देवियों, मेरे प्रश्नकर्ता भाई और मेरे बुजुर्गों? यार ये नियम ना होता तो फिर, और जैसे आप कहती है हर इंसान के पास ज्ञान अनिवार्य रूप में होता, अनिवार्य मैंने इंडिस्पेंसली इनएविटेबली अनअवॉइडेबली, लेकिन मैं क्या करूं? गीता के कृष्ण खुद कह रही गए, क्या जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखर को। मेरे अमूर शब्द देखिए, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म धक्के खा लेने के बाद ये ज्ञान को लेता है और ज्ञान द्वारा भगवान की जात में समा जाता है। इसके बाद कोई जरा नहीं होती इस सवाल पर, कोई चींचरा नहीं होती, क्योंकि ये नियम है कि बसंत के बाद पतझड़ ने आना है और पतझड़ के बाद बसंत जरूर आएगी। आपका दूसरा प्रश्न, ध्यान देना जरा। भगवान जब सब योनियां बना चुके तो आप कहते मैंने पढ़ा है, आपने ठीक पढ़ा है, आखिर में यह मनुष्य योनि बनाई गई, तो भगवान को इस मनुष्य योनि बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसने आकर के हलचल मचा दी सारे संसार के अंदर। अगर भगवान ना बनाते बाबा, हां कहिए प्रश्न कीजिए, तो क्या भगवान की सृष्टि नहीं चलती थी? है मेरा प्रश्न विचित्र, लेकिन मैं आपके मुख से जवाब सुनना चाहता हूं। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपका प्रश्न है, बड़ी अच्छी बात है, सुनिए, बड़ा विचित्र प्रश्न है। अब मैं इस प्रश्न को और संक्षिप्त कर दूं, क्या जरूरत पड़ी थी भगवान को मनुष्य योनि बनाने की? क्या उनकी सृष्टि नर नारी बनाए बिना चल नहीं सकती थी? मनुष्य योनि बनाए बिना चल नहीं सकती थी? बड़ा अजीब प्रश्न है। देखिए भगवान ने नाना प्रकार की जीव बनाए, ठीक, नाना प्रकार के। हमारे हिंदू धर्म में पुराणों में व्यास जी ने इसका बड़ा विस्तार किया है और 84 लाख नाम तक ले लिया। 84 लाख क्या बोलूं, योनियां, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई। अच्छा, उनमें यह आखिरी उत्कृष्ट योनि, उत्कृष्ट मैंने आला, उत्कृष्ट मैंने सबसे अच्छी, उत्कृष्ट मैंने बेस्ट, ये सबसे अच्छी योनि बनाई। अच्छी योनि किस रूप में, मैं फिर बार बार आपकी बुद्धि बिठाने की चेष्टा कर रहा हूं। वो उत्कृष्ट योनि इस रूप में थी, इसमें विवेक था, वैराग था, भक्ति थी। हर एक मेरा भाई आज जरा और भी एकांगता के साथ, मेरी देवियां और भी एकांगता के साथ आज खूब गठरी बांध के ले जाओ ज्ञान की, बड़ी जानकारी आपकी हो जाएगी। क्या ये उच्च योनि क्यों मानी गई? बेस्ट क्रिश्चियन ऑफ द वर्ल्ड इसे क्यों कहा जाता है?
इस उर्दू वाले इसे बोलते हैं अशरुल मखलूकात, मखलूकात में अशरफ, सब प्राणियों में आला, अफजल, सुप्रीम, टॉप मोस्ट। मेरे पास और कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में, टॉप मोस्ट, टॉप और फिर मोस्ट। जैसे हिमालय की चोटी को हम कहेंगे टॉप मोस्ट चोटी, टॉप फिर मोस्ट। जब हम तुलना करते हैं मेरे देवी सज्जनों, तो फिर हमें कहना पड़ेगा मच मोर मोस्ट। टॉप तो है पर नहीं टॉप मोस्ट, सबसे ऊंची चोटी अर्थात एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो ये सबसे उच्च कोटि की योनि है। उच्च कोटि की योनि की परिभाषा क्या होती है? जिसमें विवेक हो, वैराग हो, भक्ति हो, ये तीन गुण ना भूलना। ये गुण अंदर हो तब यथार्थ रूप में मानव मानव है, मानव मानव। हम इंसान को सही रूप में इंसान कहेंगे, नहीं तो दो शब्द व्यास जी ने कहे, मैं उनके श्री चरणों से उठा रहा हूं दो शब्द, नहीं तो वो क्या है, नहीं तो वो हैवान है या शैतान है। बेटी हैवान मैंने पशु है, शैतान मैंने असुर है। हा, आइदर ही इज एनिमल और ही इज ए डेमन। अच्छा, कब? जब उसमें विवेक वैराग और भक्ति ना हो, स्वीकार कर लो। इंसान की शक्ल में आजकल इंसान का मिलना मेरे लिए शर्म की बात, मैं कहूं असंभव, असंभव नहीं, निहायत मुश्किल। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी मैन एज ए मैन। आजकल एनिमल मैन है। आजकल जो जमाने में नजर आएंगे, इंसान रूप में हैवान, इंसान रूप में पशु। इनका खाना पीना, लेना देना, व्यवहार, लड़ाई झगड़े, फसाद इंसानों वाले नहीं। इंसान तो कुछ आप बन रहे हैं, मैं कोई आप की अतियुक्ति से काम नहीं ले रहा, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, एग्जरेट नहीं कर रहा, रियलिटी को सामने रख के बोल रहा हूं। चूंकि आप में दिन प्रतिदिन विवेक भी बढ़ रहा है, वैराग भी बढ़ रहा है और भक्ति भाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इंसान को आपको सही रूप में मेरे देवी देवता मानव कहने को तैयार हो जाएंगे। ये सही रूप में नारी जाति, वैसे मानव जाति में दोनों आ जाती है, नर नारी बोध को बोलती है मानव जाति, नर प्लस नारी इज इक्वल टू मानव जाति, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में दोनों सेक्स आ गए। अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों सेक्स आ जाएंगे। अच्छा, जी प्रश्न की ओर देखना। तो ये उत्तम माना जाता है इसी कारण से, ये गुण इसमें होने चाहिए। हाँ, तो भगवान को क्या पड़ी से क्यों बनाया? बाकी जो थे इसने हैरानगी में आज प्रश्न आपका ये है क्यों बनाया? अगर भगवान ना बनाते उनकी ये सृष्टि अधूरी रहती। क्यों? बाकी किसी योनि में क्या विवेक नहीं, वैराग नहीं और भक्ति नहीं? कोई है तो मुझे बता दो। देवताओं में आप कह सकते देवताओं में नहीं, क्यों? क्या देवताओं में नहीं? क्यों? एक बार वो पुण्य करने के बाद, उस ध्यान सुनने में क्या बोलने जा रहा हूं, एक बार पुण्य करने के बाद वो इतनी उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त कर लेती है, जिस अवस्था को प्राप्त करती है दोबारा वहां जाकर के पुण्य नहीं कर सकते। फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर हो के खाली यही लौट आए। नैत, आप सुनो मेरी सी, इंद्र और सारे बाकी जितने भी देवता हम कहते हैं, ये पुण्यों के प्रताप से पुण्य लोक में गए हैं या देवलोक में गए हैं। नैत सिरे से वह चाहे पुण्य कमाए नहीं, अपने किए हुए पुण्यों का फल पा रहे हैं। आह आह, पूछा है कि हम नए पुण्य कमाए? पुण्य आप कमा सकते हैं। इसलिए मेरे भारतीय कवि कहता है क्या क्या,
क्या 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 देवताओं से बेहतर है क्या इंसान बनना, इनसे बहुत अच्छा इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, इससे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये ना बनती तो भगवान की सृष्टि अधूरी जरूर रहती, उत्तम कोई भी चीज ना होती, किसी को पता ही नहीं लगता क्या भगवान कौन है, हा इंसान कौन है, भगवान को कोई जानता ही ना, कौन जानेगा, वो ऊपर के लोकों में है, कौन बताता इनको, दृंदो प्रिंदो चिंदे ये सारे, और सारे ये गंदी कर्म करने वाले, तो फिर ये आगे आगे इनका विकास हो रहा है, तो विकास होके कहां जाता है, इस रूप में आता है, जाके विशेष प्रकार की बुद्धि है, विशेष प्रकार का सोचना है, विशेष प्रकार का निर्णय लेना है, ना केवल सोचना और निर्णय लेना है, बाकी भगवान ने एक ताकत और दी, निर्णय जो लिया आप उसे कर दिखा सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं। आपने कहना मैंने परौंठा बनाना है, केवल निर्णय नहीं लिया, आप परौंठा बना भी सकती हैं, खा भी सकती हैं, देवता निर्णय भी ले ले, लेकिन वहां नए सिरे से पुण्य कर सकते, भगवान ने नियम ये बनाया कि पुण्य कर सकते। इंसान की योनि में आहा आप जो सोचे कर सकते, ये फैकल्टी ये शक्ति भगवान ने आपको दी, इसलिए इसे उत्तम कहा जाता है। मैं फिर कहूंगा उत्तम तब है जब विवेक भी हो, वैराग भी हो और भक्ति भी हो। सेठ को हम कब सेठ जी, इसके बाद जब हम सेठ जी कहते उसके बाद लाखों रुपया होगा, अच्छा ऐसे नहीं हम सेठ जी कहते, ऐसे पूंजीपति नहीं कहा जाएगा, कैपिटलिस्ट नहीं कहा जाएगा, तो उसके पास पूंजी है, इसी पास जब हम कहते मानव, तो मानव के पास विवेक वैराग और भक्ति होगी, तब उसे मानव या इंसान कहेंगे, शाबाश। वरना ये सृष्टि जो आप कहते हैं वाकई अधूरी रहती और पता ही नहीं लगता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छे बुरे में तब पता लगता है, आप कोई भी चीज बाजार में लेने जाओ, कोई भी चीज तीन चार चीजों में आपस में मुकाबला करोगे तब आपको पता लगा ये अच्छी चीज है। सुनो मेरी देवियों और जिन्होंने हाथ उठाया है सुन ले, वो अगर ये भगवान ये ना बनाते हाँ क्या पता लगता अच्छा क्या बुरे, सारे बुरे सारे बार मुखी है तो पता कैसे लगता। अगर इस दुनिया में सारे चोर ही होते तो पता कैसे लगता साध कौन है, साथ साथ भी तो होना, एक साधु भी हो तब पता लगे साधु कौन चोर कौन, हा शरीफ कौन बदमाश कौन, अच्छा कौन बुरा कौन, इन दो ये दोनों होंगे पता लगेगा। अगर जनाब अली ये मेरे प्रश्न करता और मेरे माता हो, अगर दिन ही दिन होता हमें क्या पता लगता रात किसे कहते हैं, अगर रात ही रात होती तो हमें कैसे पता लगता दिन किसे कहते हैं। कुतुबैन अगर आपने जो अपने भूगोल में पढ़ा है तो इतिहास पढ़ा होता, छह महीने की रात होती है, छह महीने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके जो है कुतुबैन में छह महीने की रात और छह महीने का दिन, सूरज इस चक्कर से जाता है। मेरी कई बेटियां उस दिन भी हैरान हो रही थी, बीच पूरे छह महीने रात रहती है तो उनके रहने वाले नीचे उतर आते हैं जहां दिन होता है, और जब दिन होता है तो वहां पर टाइम बांध रखा है और वहां घड़ियाल बजती है, वो सो जाते हैं दिन में ही सो जाते हैं, विमानो रात हो गई, क्योंकि 24 घंटे दिन ही दिन रहना है। वाह रब्बा वाह, कैसी विचित्र सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। तो दो चीजें होती तो पता लगा, हमें क्या पता था नारी है, नर है तो पता लगे आप नारी भी है, नारी के साथ नर है तो मतलब मैं नारी हूं, मैं नर, आप क्या पता मैं नारी हूं, क्या पता लगता आपको, क्या पता लगता मैं नर हूं। इनके कारण से हम समझती है कि देयर इज मच डिफरेंस, जब हम दोनों में तुलनात्मक का ध्यान करते हैं। तो इसी तरह जब कोई एक जेंटलमैन हो और एक वर्स्ट मैन हो तब वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड कैन से ये अच्छा है ये बुरा है। तो प्रश्न करता आप मानिए भगवान की यदि मनुष्य योनि ना बनाते तो सृष्टि अधूरी रह जाती, इंसान ना होता, इंसान में महात्मा ना होते, महात्मा पहुंचे हुए ना होते तो परमात्मा के बारे में कोई ना जानता, परमात्मा के बारे में कोई ना जानता तो परमात्मा के गुणों कोई ना जानता, परमात्मा का गुणों ना जानता तो इंसान क्या बनता, शैतान। तो फिर इंसान की जरूरत ही क्या थी रब को, रब ने इंसान को इसलिए बनाया है कि ये जान सके हैवान कुछ और होता है, शैतान कुछ और होता है,
और इंसान कुछ और होता। हमारे यहां कहावत नहीं, आदमी आदमी में अंतर। क्या अंतर? कोई हीरा कोई गुणों के कारण से, कोई हीरा कोई कंक। उम्मीद है इन थोड़े से उत्तर में आपका घर पूरा हो गया होगा। सृष्टि अधूरी रहती यदि भगवान इस योनि को ना बनाते तो। आप ये कोशिश कीजिए, उन्होंने प्रश्न किया और बाकी जो सुन रही हैं, आप में हम सही रूप में इंसान बने, भगवान का ज्ञान मिल रहा है। अर्थात अंगों से नहीं कोई इंसान कहलाता, अंगों से नहीं, क्या बुद्धि से। आहा और बुद्धि में गुण होने चाहिए, ये तीन, विवेक वैराग भक्ति। ये आप निरीक्षण करते रहो, आप सारे, भले ही आपका प्रश्न नहीं है पर निरीक्षण कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ये तीन गुण आप में बढ़ते जा रहे हैं या नहीं, तब सत्संग का, गीता जी के सुनने का आपको ठोस लाभ है। रोज या आने का मेरे देव को आपको ठोस लाभ, विवेक बढ़ रहा है। क्या मतलब? आपको सत्य असत की पहचान हो रही है, उचित अनुचित की पहचान हो रही है। डे बाई डे आप ये पहचान रहे, यू आर रियलाइजिंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, गुड। ये गुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये नहीं? जरूर अपने पर ठोक के प्रश्न करो, शर्मा वर्मा, ओ शर्मा, ओ वर्मा, टटोलो अपने आप को कि ये गुण बढ़ रहा है या नहीं। बाबा ये भी बता दे कि अगर बढ़ रहा है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। वेरी वेरी गुड, वरना शायद मन अपने आप को गलत जज कर ले कि मेरे विवेक बढ़ रहा है। हाँ, भगवान ने लक्षण बताए, मेरी बेटी भगवान ने लक्षण बताए। अगर हमारे में विवेक का गुण आ रहा है, जैसे कोई दही बिलो रही है, हाँ तो क्या माखन आ रहा है? तो उसके छोटे छोटे कण मक्खन के आ रहे होंगे। मां बार बार ऊपर से ढक्कन खोलती थी, देखती थी, अभी नहीं, अभी नहीं। और सर्दियों में खास करके नीचे ओपले गरम गरम रखती थी चाटी के नीचे, ताकि गरम हो और वो मक्खन पिघला होता है ना, तो गरमाइश से वो उसके कान आ जाते हैं। बस 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 बस, अब मक्खन आने वाला है, इसके कान आ गए। सर्दियों में नीचे मुझे अभी तक याद है, ओपले माद रखती थी, उसकी आंत रखती थी, तो पता होता है कुछ लक्षण होते हैं। दाल आपकी पक गई तो नहीं, कैसे? थोड़े से कड़ची से एक दाना निकाल लो और दाने को हाथ में दोनों उंगलियों में रख, नहीं अभी कच्ची है, एक दाना बता देगा कि यह कच्चा है कि पटका। आहा आहा, ये कितने चावल बढ़ रही हैं। एक कणी बता देगी चावल कच्ची की पक्की, बिल्कुल। एक चने बना रहे हैं, एक चना निकाल के देख लो और उसके दोनों उंगलियों में दबाइए, नहीं अभी कच्चा है। इसी तरह आहा आहा आहा, हमारे यहां कहावत है, नहीं सुनी मेरे सुन लो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, खरबूजे को देख के खरबूजे रंग पकड़ते जाते हैं, देख देख के ऐसे ही होता है। अच्छा लो, आप जान लीजिएगा, आप पकड़िए कि क्या विवेक मेरे में आ रहा है, तो दिन प्रतिदिन रंग पकड़ा जा रहा होगा भगवान की ओर। जिनमें विवेक आता है तो वो सत की ओर झुकती जाती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि सत परमात्मा है, इन्हीं की ओर जाने मेरा कल्याण। ये बात उनकी दया समझ आ जाए कि इस सारी विचित्र दुनिया में सत परमात्मा है, उचित वही है, बाकी सब कुछ असत्य है, दुखदाई है। जब ये बात विवेक बढ़ा, आपके मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर जाएंगे, खामखा भगवान की याद आएगी, खामखा खामखा। आपको क्या किसी लड़की से प्यार है? ओ हरनाम, आपको प्यार है? बाबा मुझे कैसे पता लगे? क्या बार बार किसी का ख्याल आता है? अच्छा, जिसका दिन में बार बार ख्याल आए, समझिए मैं लुटता जा रहा हूं, मुझे कोई लुट के ले जाएगा। जिसका ख्याल बार बार आए, जब विवेक बढ़ता है, हाँ, तो बार बार भगवान का ख्याल आता। ये एक पक्की बात याद रखना, आहा पक्की बात, विवेक बढ़ने से प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ता, प्रभु का चिंतन स्वयमेव होने लगता है। वाह वाह वाह,
यह है पक्की निशानी। भगवान ने क्या कहा, न हो उसको फिक्री चुनाव चुनी, संसार के संकल्प विकल्प उसको नहीं आएंगे। बार बार उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते अंदर क्या होगा, क्या है जिंदगी, कुछ नहीं, जा रही गए, कुछ पुण्य कमाए, कुछ भगवान, ये बार बार आएगा, भगवान का भजन करे तो समझ लीजिए मेरे दिन अच्छे आ गए, मेरे में विवेक बढ़ता जा रहा है। अब जो जो विवेक बढ़ेगा वैराग भी धीरे धीरे करके उत्पन्न होगा। लगाई थी लो जिससे हासिल, नियम हमारे हिंदू धर्म में अंत मति सो गति, मति बुद्धि को बोलते हैं, मति के अनुसार गति। कितने संक्षिप्त शब्द व्यास जी ने प्रकट किए, मति के अनुसार गति। तो कैसे पता लगे कि अंत समय, ओ मैया रोज आती तो आज भी आई बैठी होगी, ध्यान से सुन ले, नहीं तो तू जा भी है, ये पवन देवता का फर्ज है कि या के शब्द वहां पहुंचा दे, और बाकी ध्यान से सुन लो। हम इसको अपना प्रश्न बना ले, हम सब धार्मिक क्रियाएं करती हैं जैसे दादी अम्मा कह रही है, तो यकीन क्या है कि अंत समय में भगवान याद आएंगे। लो सुन भगवान जी क्या फरमाते हैं, मैं ध्यान से, मैं उसने भी बड़े विस्तार पूर्वक प्रकाश डाल रहा था कि मन का परमात्मा ने एक स्वभाव बनाया हुआ है, बनाना नहीं, जैसे भगवान ने आंखें बना के दी है, कोई हमने डॉक्टर से बनवाई है नहीं, ये भगवान ने आंखें बनाई, जैसे भी आंखों की शक्ल है, और उसमें आना, आने में तिल और तिल में प्रकाश ज्योति, ये रब ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, इट इज गॉड मेड नॉट मैन मेड। परमात्मा ने हमें भेंट के रूप में आंखें दी है, बड़ी कीमती, बड़ी कीमती, बड़ी कीमती, बड़ी अनमोल आंखें हैं। इसी के लिए, इसके लिए तो बाजारों में वो लिखा होता है, डॉक्टर की दुकान के ऊपर मैंने पढ़ा था, मैं ललितपुर की बात कर रहा हूं, वह डॉक्टर की दुकान पे पढ़ा बड़े मोटे शब्दों में, आंख गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया, आंख गई जहान गया। तो इतने अनमोल ये हमारी आंखें, तो ये भगवान ने हमें, जिसे चरण चक्षु कहेंगे, भगवान ने प्रदान किए हैं, क्या भेंट रूप में, बिल्कुल ठीक, स्त्री एक नियम भेंट रूप में मन के पास है, बनाना नहीं। मैं कह रहा था क्या, जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसी की तरफ भाग जाता हूं। ध्यान से सुनो, हर एक के कानों में ये आवाज मेरे भगवान की जानी चाहिए, हर एक मैया बड़ी कमाल की बात है गीता की, ओ रब्बा रब्बा, ओए हमारे मनों में बसा दो प्रभु, हमारे मनों में ये बात और गहरी उतार दो, जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे, अहमियत बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे, वो पढ़े लिखो, वो पढ़ी लिखी मेरी बेटी, मैं कई बार कह चुका, अपनी जो वो कॉलेज की पढ़ाई है इधर लगा लो मेरी तरह, जैसे मैं अपनी पढ़ाई सारी भगवान जी के ज्ञान में लगाई बैठा हूं, लौकिक विद्या को मैंने अलौकिक विद्या में लगा दिया, आप भी उसको लगा, जैसे आप धन कभी भगवान के नाम पर दान दे देती है, इस तरह आप जो लौकिक विद्या आपने हासिल की है इस ब्रह्म विद्या में मिला दो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जरा समझिए ध्यान से, जिसकी मन महत्ता बढ़ाता है, हां उसी का एक चिंतन हो जाता, मन, मन ने महत्ता बढ़ाई और अपने आप को बीच में निकाला, उसके पास पहुंच गया। किसी को इस पर प्रश्न करना हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, यह बड़ा इंकलाबी बात है, बड़ी इंकलाबी बात, मुझे ये आपका प्रश्न बड़ा प्यारा लगा, मैया का प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर वो बैठी है तो मेरे पास आ जाए, मैं उनको और भी हार्दिक आशीर्वाद दूं, बड़ी सूझबूझ का प्रश्न है, ध्यान देना मेरी मेरी माताओं बेटियों बुजुर्ग और भाइयों, जो आप अपने देखिए पूर्ण रूपये महत्ता भगवान की बढ़ाइए, क्यों
मैंने इसकी बड़ी खोज की है, बड़ी खोज की है मैंने। पूरा प्रेम महत्ता भगवान की बढ़ाई है। क्यों? मन की मांग भगवान से ही पूरी होनी है। आखिर में निर्णय मुझे ये मिला, मन का मन चाहता क्या है? तान हमारा कुछ नहीं चाहता। बेटे अगर मैं ये कपड़े पहन के आया और आप पहन के आए तो कौन? मन पहन के आया। क्यों? कांपता है। अगर हम नहीं पहनते, जुराबे नहीं पहनती तो पैर को ठंड लगती है, ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, नाक में बार बार पानी आता है। तो किसको ये महसूस कौन करता है? फीलिंग फैक्टर माइंड है। पैर नहीं महसूस करते, पैरों को तो ठंड ठंडी हवा आई, इसका प्रभाव किस पे पड़ा? मन पर। याद रखना, पढ़े लिखो, फीलिंग फैक्टर इज अवर माइंड। हवा तो लगी पैरों को, लेकिन इसको महसूस किसने किया? मन ने। आपने किसी को कोई बात कही, हां, तो महसूस किसने किया? उसके मन ने। यार तरीके से तो बोला कर। अच्छा, तेरे मन ने बुरा, हम बहुत पूछते हैं, तेरे मन ने बुरा मनाया, और तू बोलता ही ऐसा है। प्यार से दो मिनट तो हम आपस में मिलते हैं, यहां पर उसी से प्यार से नहीं मिल जाता? ऐसे थोड़ा कहा जाता है, परे हट जाने जरा, ऐसे नहीं बोला जाता। क्यों मन महसूस करता है? तो ऐसा ये कह रहा था, भाई साहब नमस्कार, नमस्कार जी, थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। हाय रूपा, एक ये तरीके पर आ जाना, और एक दूसरा ये तरीका है, ये रिफॉर्म्ड वे। भाई साहब नमस्कार जी, मुझे भी बैठने दीजिए। जरूर, चल चक्की हिल जाती, आपको जगह बना देते। तरीके कितनी अच्छे हैं, इन शिष्टाचार हमारे पास कितने अच्छे हैं। यू कहना और यू कहने में कितना अंतर है। अरे हटना, नहीं बैठने दे, और यू कहना, हर्षित थोड़ा सा कृपा कर मेरे पर, मैं भी बैठ जाऊ। हाँ हाँ, आप एक टांग उठा के दूसरी टांग पर रख लोगी, बैठ जाना, अपने रल मिल के सुन लेते हैं। तरीका तो कौन महसूस करता है? मन। सारा दार मदार जे भाइयों, मेरे भी दो कान लेके सुन लो, मत्ता भगवान की बढ़ाओ। क्यों? जो मन चाहता है वो केवल भगवान दे सकते हैं। लो मैं आपसे बताता हूं, मन की सबसे बड़ी मांग सुनो, हर एक भाई जो उंग रहे हैं वो भी जाग करके सारे सुन लो, तो आपका आना जिंदगी भर सफल हो जाएगा। अगर आप कभी नहीं आए, आ जाए, और आ जाकर फिर कभी नहीं आना, ये बात गौर से सुन लो। हमारे मन की मांग क्या है? सदा रहने वाली खुशी। सदा रहने वाली को खुशी नहीं बोलते, शांति। थोड़ी देर जो रहे वो खुशी कहलाती है, अंग्रेजी में प्लेजर कहेंगे। सदा रहे उसे हम शांति कहते, सदा रहने वाली शांति, थोड़ी देर रहने वाली खुशी। प्लेजर और हैप्पीनेस में यही फर्क है। और प्लेजर खुशी क्या होती है? किसी के से मिलती है, मां ने चुम लिया, प्यार कर लिया, खुशी मिल गई। हम पास हो गए, खुशी मिल गई। हमारी शादी होगी, खुशी मिल गई। खुशी क्या होती है? किसी के द्वारा। वो सुनो मेरी बच्चियों, खुशी किसी के द्वारा और शांति अपने आप में से। शांति किसी के द्वारा नहीं मिलती, आत्मीय आत्मना पुछता रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन। और वो जो अब बाहर से हो, बाहर से काका पैदा हो गया। आज हमारे गांव जलवेड़े से काका आया, तीन लड़कियों के बाद लड़का हुआ है, प्रसाद बांट रही है, खुशी है, प्रसन्नता है। अपनी पत्नी को लाया, बच्चे को लाया, आपसे दुआएं ले रहा है, आपको लूटने के लिए आया है। ऐसे ही प्रसाद बांटा, आपसे शुभभावना लेना चाहती है, आपकी बच्चे को दुआएं मिलना चाहती है। गुड, ये खुशी किसी के द्वारा कि भगवान ने हमारी सुन ली। तीन गंगा यमुना सरस्वती के बाद क्या गंगा यमुना सरस्वती में एक सूरज भी चमक उठा? इन तीन नदियों में, तीन नदियों का भाई, एक सूरज भी चमक उठा। खुशी किसी के द्वारा। हाँ, अब मन को तो चाहिए शांति जो हमेशा रहे। सुन लो ध्यान से, हमेशा रहने वाली शांति संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ नहीं दे सकता। क्यों? ये खुद सदा नहीं रहते, ये थोड़ी देर रहती है, थोड़ी देर। शाबाश, मन की ये मांग है, मुझे ऐसी खुशी मिले जो कभी दुख का दिन न देखे। हाय, मुझे ऐसा चैन मिले जो बेचैनी का दिन न देखे।
मुझे ऐसा करार मिले जो कभी बेकरारी का दिन ना देखे, तो फिर ये तो भगवान दे सकते हैं। मां नहीं दे सकती, बाप नहीं दे सकते, बहन भाई नहीं दे सकते, पत्नी बिचारी नहीं दे सकती, पति नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, डिग्रियां नहीं दे सकती, पदवियां नहीं दे सकती। मिनिस्टर बन जाओ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाओ, और उधर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, बल्कि क्या होगा, जितने बाहरी रूप में बड़े बनते जाओगे उतने दुखी होते जाओगे। जिसके सिर ताज उसी के सिर, जितना आदमी बड़ा बनता जाएगा गोलियां खाएगा, जितना बड़ा बनता जाएगा, अभी पंजाब के जो है चीफ मिनिस्टर का हाल देखा, बेचारा कार पे चढ़ने लगा है और एक नालायक ने आकर के बम रिमोट से छोड़ दिया। अभी भी आपने हरियाणा देखा, चंडीगढ़ में की दुर्घटना, अभी आपने भारत के इधर ये चीफ मिनिस्टर और उधर प्राइम मिनिस्टर हरियाणा का, वो लोगों को पता नहीं क्या खुश करने जा रहा था, रिमोट से लड़की खुद भी मर जाती है और प्राइम मिनिस्टर को भी ले लेती है। वाह वाह, आप देख ही रहे हो हाल, ये जितने बड़े बनते जाओगे उतने दुखी होते जाओगे। आप देख लो कुआरे थे कितने सुखी थे, जो जो आप बड़ी बन गई हैं, मां बन गई हैं, किसी की पत्नी बन गई हैं, जरा हाल देखो क्या है, जितने बाहरी रूप में बनोगे उतने दुखी हो जाओगे। तो संसार आपको सुख नहीं सकता, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, संसार आपको सुख नहीं सकता, सदा रहने वाली शांति सदा रहने वाला देगा उसे भगवान कहती है। विचारो जैसे गुरुदेव जी ने मेरे मन में बड़ी गहरी बात उतार दी, मन तुझे चाहिए क्या, सदा रहने वाली खुशी भगवान दे सकते हैं, जहान का कोई प्राणी कोई पदार्थ नहीं दे सकता। अच्छा आगे बढ़ो, मन और बोल, आज तेरा झगड़ा मैं खत्म करूं, और तुझे क्या चाहिए, मैं बार बार नहीं जन्मना मरना चाहता। सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से, फिर भी शक जाओ, चाहे लड्डू खाओ चाहे खीर खाओ तो चाहे मलाइयां खाओ, और मन की मांग क्या है, मन बार बार आपके गर्भ में नहीं आना चाहता, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहता, अर्थात मुक्ति चाहता है, ये मरना चाहता है सदा के लिए, फिर नहीं मरना चाहता। कोई भी देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दे सकता सिवाय भगवान के। ये देखिए दूसरा अध्याय अंतिम श्लोक 72वां, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण बोलती, निर्वाण मुक्ति वो भगवान के ज्ञान और भगवान से मिलती है। मेरी मैया का बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, हमारे मेरे पास क्या गारंटी है कि अंत समय मुझे भगवान की याद आएगी। लो मैं आखिर में आ गया, मन को चाहिए सदा रहने वाली शांति, मन को चाहिए मुक्ति, और तीसरी मन चाहता है किसी प्रकार का दुख मेरे पास ना आए, आदि व्याधि उपाधि। ये मेरे साथ छेड़छाड़, जैसे आप चाहती है को मैं विशेष सत्संग में आऊं, कोई छेड़छाड़ ना करे, चाहे जमाना गंदा जा रहा है, वक्त बड़ा अजीब जा रहा है, पर मुझे कुछ छेड़े नहीं, शाबाश। इसी तरह हमारा मन चाहता है कि ये आके छेड़छाड़ ना करे, आदि होते हैं मानसिक दुख, व्याधि होते हैं शारीरिक दुख, और उपाधियां होती हैं परिवार के और समाज के क्लेश, कमियां मुसीबतें मजबूरियां, ये तीन प्रकार दुख हो रही है, तो ये सिवाय भगवान के कोई दे सकता। ये बार बार गहराई में जाइए, सदा रहने वाली शांति केवल भगवान दे सकती है, मुक्ति भगवान दे सकती है, और नाना प्रकार के दुखों क्लेशों से छुटकारा भगवान दे सकती है। ओ मन जी, और एक बार दो बार तीन बार चार बार अनेक बार सुनाइए मन को, मन सुन रहा है ना, बहरा तो नहीं, नहीं मैं सुन रहा हूं, जो तू चाहता है हां केवल भगवान दे सकते हैं। मान गया, मान गया, ये आपने पूरी महत्ता भगवान की बढ़ा दी। सुन लो भाई, ओ मेरी दादी अम्मा और बाकी सारे, ये तीनों का तीनों की कैपेसिटी भगवान के पास है, कोई भी नहीं दे सकता, चाहे आपके इष्ट देव भी क्यों ना हो, और चाहे कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, चाहे एक नहीं दस सेना वाली भी क्यों ना हो, उनके पास ये भगवान ने ताकत दी नहीं, ये उन्होंने अपने हाथ में रखी है, ये शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। अच्छा, वो किसी और के हाथ में नहीं, जैसे घर में तिजोरी पड़ी होती थी पेटी,
वो पिताजी किसी को नहीं देते थे, चाहे हमारी मां भी थी उनको नहीं देते थे, वो पिताजी अपने हाथ में रखते थे, पता नहीं किस जगह छिपा कर रखते थे। तिजोरी की लंबी, इतनी लंबी चाबी मुझे अभी याद आ रही है, मैं जहां तक किसी को नहीं, अगर उन्हें रखनी हो तो कहते बच्चों, ए बच्चों की माँ तू भी बाहर निकल जा, कुंडी लगाते कोठे की और लगा के पता नहीं कौन सी जगह बनाई थी उस पे रख के फिर खोल के आ जाते। आनंद और शांति में कोई डिफरेंस नहीं, आनंद ही भगवान का स्वभाव है। सत चित आनंद शब्द नंद से बना है, नंदति, जब मन अंतर्मुखी होकर के प्रसन्नता प्राप्त करता है तो उसे नंदति कहती। खैर बड़ी दूर की बातें, तो मैं गुजारिश कर रहा था बार बार एक आत्म आज ही जाकर खाओ पियो और सोने से पहले जरूर विचार करो, आप भी मेरी बात, मेरी बेटियों बार बार विचार करो, मन तुझे क्या चाहिए, सदा रहने वाली शांति केवल भगवान से मिल सकती है। तो बार बार जन्म मरण छुट्टी अर्थात मुक्ति केवल भगवान दे सकते हैं, नाना प्रकार के क्लेशों मुसीबतों से छुटकारा केवल भगवान दे सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने तजर्बे के बिना पर कहता हूं, हर वक्त चिंतन भगवान का हो जाएगा, क्योंकि पूरी माता हमने अपने भगवान की दे दी, हमने पूरी माता भगवान की बढ़ा दी है। अगर सुधर रहने वाली खुशी शांति भगवान से मिलनी है तो मैं क्या धक्के खा रहा था संसार के अंदर, हर काम तो हमने शांति की पढ़ाई की शांति के लिए और खुशी के लिए कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान लिया, कार ली, जो कुछ भी आपने किया, फॉर गेटिंग परमानेंट हैप्पीनेस। और ये तो कितनी बारी भूल हम कहेंगे मैं तो धोखे में रह गया, मैं तो मारा गया नहीं, मैं तो लुटी गई नहीं, मैं तो उनसे ढूंढता रहा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे क्या 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 वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए, पित मरेगा इंसान जब तक भगवान की ओर लौट के नहीं आएगा, इसे मिलनी नहीं, क्योंकि वस्तु कहीं हम ढूंढ कहीं और रहेंगे, ढूंढ रहे हैं पढ़ाई में, कमाई में, माँ में, बाप में, आपके शरीर में और आप आदमी के शरीर में और इज्जत में, रुतबों में, ऐसे मिले कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विध पाए। मैंने अंदर रुमाल निकाला, गलती से कुछ कायन रखे अंदर, तो रुमाल का तो ठन्नी गिर गई, तो मुझे मेरा कुछ गिर गया, तो मैं ये देख इधर देख इधर देख कितना कमला हो पीछे गिरी पड़ी है, मैं अगल देख रहा हूं, बगल देख रहा हूं, सामने देख रहा हूं, लेकिन पीछे नहीं देखता, तो मुझे ठन्नी मिलेगी कैसे। इस तरह इंसान चारों ओर भाग रहा है, ले रहा है, लेकिन कभी भूल के भी अंदर नहीं देखता, तो मिले कैसे, वस्तु है ही अंदर, रब ने रखी अंदर है और वो एकाग्रता में है। तो मैं हम तो अपनी एकाग्रता बिगाड़े फिरते हैं, इधर उधर जाके विक्षेपता में है। सुनो नेक देवियों, नेक बच्चों, इतनी महत्ता भगवान की बढ़ा दो बार बार कह करके, आपका मन स्टैंड स्टिल और पूर्ण रूप अंतर्मुखी, हर समय आप भगवान का चिंतन होगा, चाहे आप कहीं भी होंगे प्रभु का चिंतन होगा। नहीं, ये तो कोई मेरे भगवान दे सकते हैं, ये तो मिलनी भगवान से है, क्योंकि जब भी आपने पूरी मत्ता किसी को बढ़ाई, हर समय उसी का चिंतन, हर समय उसी का चिंतन। वो दिन याद करो जब पढ़ाई की मत्ता बढ़ाई, हर समय पढ़ाई का ख्याल, फिर अपने कमाई के लिए हर समय कमाई का ख्याल, शादी का हर समय, जब शादी नहीं होती थी हर समय शादी जल्दी होनी चाहिए, मेरे माँ बाप बड़े दुखी है कि मेरा ये है वो, हर समय शादी शादी, भगवान जी इनको कोई योग्य बार मिला दो ना, इनको योग्य, देख अंदर बार निकलते बार यही, इससे ज्यादा कई महत्ता भगवान की बढ़ा दी। तो हर समय अंदर से क्या, तू ही तू मेरे मालिक, मेरे मालिक तू ही तू, मेरे प्रभु तू ही तू, आप ही फैले हुए हो, आप ही सर्व समर्थ हो, आप ही सर्व शक्तिमान हो, आप ही सर्व आधार हो। बार बार ऐसी भगवान के गुण निकलेंगे और उनकी याद बनी रहेगी, दिन में, रात में, सवेरे में, शाम में, हर समय आपका मन, भले ही आप काम कर रहे होंगे नहीं भूल सकते भगवान को, आप नहीं भूल सकते उस यथार्थ सत्ता को, क्योंकि आपको पता है मेरी तो कामना पूरी वहीं से होनी है। हर समय भगवान की याद, हर समय भगवान की याद, हर समय एक गुरुज बन जाती है अंतःकरण पर। नहीं, ये सब कोई भगवान देंगे, और जितने भी आप बाकी काम करेंगे ऊपरले मन से होंगे, जैसे किए जैसे ना किए, जैसे किए जैसे ना किए, कोई और दुनिया का विचार आपके मन में नहीं जा सकता, भगवान गहरे उतरते जाएंगे।
अंत समय भी जब ये प्राण पखेरु उड़ेंगे आपकी वृत्ति बिल्कुल भगवान में चल जाएगी। लगाई थी लौ जिससे हासिल, पक्की बात याद रखना मेरी दादी अम्मा और बाकी सब मेरी माता बेटियां बुजुर्ग और भाई, हमारे पास क्या यकीन है, हम सारे धार्मिक कार्य कर रहे गए कि अंत समय मेरी वृत्ति भगवान में टिकेगी। यही है कि हर समय अपनी पूरी माता दी और हर समय प्रभु का ही चिंतन हो रहा है तो परमात्मा का नियम है क्या, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए, फिर भगवान हमारी मुराद पूरी कर देती। परमात्मा करे हम सबके यही आंतरिक दशा बने, हर समय प्रभु का चिंतन। खुद मेरे भगवान ने वचन दिया आपको आठवें अध्याय में, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आसान। अब सोचना ये कि मैं सदा मेरी वृत्ति कैसे क्यों लगे, दे दो इंपॉर्टेंस भगवान को, क्योंकि जहां हमारी इंपॉर्टेंस देती है माता देती है मानो उसी का चिंतन करता। गुजरी जिंदगी पर याद करे तो जब जिसको माता दी मान उसी को याद करता रहा, दिन रात उसी को प्राप्त करने के लिए सोचता रहा। अब हमने भगवान को माता दी है, कोई मालक फेरने की जरूरत नहीं, हर समय प्रभु का चिंतन, हर समय प्रभु का चिंतन। खुद मेरे हमारे भगवान जी ने क्लियर किया है, देखो मैं आखिर में कह रहा हूं, मुझे दिल से अर्जुन क्यों, चूंकि किसी गैर से दिल, हाय हो मेरे परमात्मा हो मेरे इष्ट। अब गैर में दिल तब लगे जब उसकी हमने महत्ता बढ़ाई हो, उसकी महत्ता तो बढ़ाई नहीं, बढ़ाई तो हमने भगवान की, कोई हमारे अच्छे दिन आ गए, हमारे पुण्य को जाग गए। जब पुण्य को जाग जाने से जब महत्ता भगवान की बढ़ाई है तो बस किसी गैर से दिल, तो फिर क्या होगा, मुझे दिल से अर्जुन बदलो, क्या होगा, मति वही रहेगी जो जहां सारी जिंदगी कटी है, जिसको आपने बार बार याद किया है, जिसको महत्ता दी है, लो आपकी गति भी अच्छी होगी, बहुत अच्छी गति, क्योंकि अब कोई भी आपने सारी चीजों को जीरो कर दिया है। भले आप संसार में रहे, गृहस्थी में रहे, भले आप अपने बाल बच्चों में रहेंगे, लेकिन ना रहने के बराबर, क्योंकि वो मन में नहीं गए, वो क्या गएंगे, मन में तो आप बार व्यवहार कर रही है, अंदर तो भगवान का चिंतन हो रहा है। यही हमारी सोनी सरकार ने कह दिया, तन काम में मन रहे ध्यान, हो गई अंतमति शानदार, हो गई बड़ी अच्छी। भगवान ने दूसरे अध्याय में और भी क्लियर किया है, और वो आप कर रहे हैं क्या, या कर चुके हैं क्या, अगर मैया बैठी है तो सुन ले, अंतमति आप अंत में भगवान याद आएंगे, यदि ये अवस्था बन गई, सुकेड़े जो हर शय से, भगवान ने तो जगह जगह क्लियर कर दिया। दादी अम्मा आपका जवाब मेरे प्रभु ने हर एक अध्याय में दिया, ये कितना बढ़िया जवाब है, सुकेड़े जो हर शय से, चारों ओर से जिसने अपने मन को खींचकर एक अपने मालिक में जोड़ दिया है और उसी के प्रेम में भरा रहता है, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।